हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इस डिजाइनर कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग सीखेंगे। मेरा वीडियो आपको पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मेरे दूसरे चैनल मिनी क्लासी बुटीक को भी सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको किड्स वेयर की काफी अच्छी अच्छी ड्रेसेस की कटिंग स्टिचिंग सीखने को मिलेंगी। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने प्योर कॉटन फैब्रिक 3 मीटर लिया है। पहले हम चोली बनाएंगे। चोली में फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग एक साथ करेंगे। उसके लिए मैंने देखिए कपड़े की 2 लेयर ली है। सेंटर से फोल्ड करें। इस साइज में चोली की लेंथ लेंगे 14 इंच, जिसमें 1 इंच मार्जिन सीम अलाउंस का ऐड करेंगे। तो कपड़े की फुल लेंथ मैंने 15 इंच ली है। फुल शोल्डर है 14 इंच, जिसका हाफ हुआ 7 इंच। आर्म होल की लेंथ में हाफ शोल्डर के अकॉर्डिंग 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो आर्म होल की लेंथ 7.5 इंच लेंगे और फ्रंट की प्लेट लेंथ आती है इस साइज में 9.5 इंच पर, जिसमें 1/2 इंच मार्जिन सीम अलाउंस का ऐड करेंगे। तो 10 इंच पे निशान लगाएंगे और इसमें फुल चेस्ट का साइज है 37 इंच, जिसका 1/4 हुआ 9.25 इंच। तो सेंटर से 9.25 इंच पे लगाएंगे निशान और फुल वेस्ट है इसमें 33 इंच, जिसका 1/4 हुआ 8.25 इंच। 1 इंच की प्लेट डालेंगे तो 1 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो 9.25 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को यहां से मिलाएं। फिटिंग के निशान से आगे के लिए मेरे पास 1.5 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा बच रहा है लूजिंग के लिए, तो हम इतना ही मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। फुल शोल्डर है इसमें 14 इंच, जिसका हाफ हुआ 7 इंच। स्लीव अटैच करने के लिए 0.2 इंच मार्जिन सीम अलाउंस का ऐड करेंगे। तो सेंटर से 7.25 पे लगाएंगे निशान। और यहाँ पे शोल्डर के हाफ पे ही निशान लगाएंगे, तो 7 इंच पे निशान लगाएंगे। इसे यहां से मिलाएं। नेक की विड्थ रखेंगे 2.5 इंच। फ्रंट नेक की डेप्थ लेंगे 2.5 इंच। इसमें राउंड शेप दे। बैक नेक की डेप्थ लेंगे 1.5 इंच। अब इस निशान पे राउंड शेप दे। शोल्डर डाउन 1/2 इंच करेंगे। इसे यहां से मिलाएं। यहां पे आर्म होल का शेप दें। अब बैक वाले निशान के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। सेंटर से 3.5 इंच पे मार्क करें। इस निशान पे कट लगाएं। अब इसमें से बैक पार्ट के लिए 1 पीस को हटा दें। अब इस पे हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहां पे हमने 7 इंच पे निशान लगाया था ये वाला, इससे पीछे के लिए 1 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को यहां से मिलाएं। अब यहां पे आर्म होल का शेप दें। अब इस आर्म होल पे कटिंग करें और फ्रंट नेक की भी कटिंग कर दें। यही सेम निशान इसके बैक की साइड पे और बैक पार्ट में भी लगा लेना है। अब इसमें नेक डिजाइन बनाएंगे। उसके लिए आपको बैंड की मैचिंग का एक फैब्रिक लेना है और ऐसे डबल करना है। फिर सेंटर से इस तरह से क्रॉस में सिलाई डालनी है। अब सिलाई से 1/2 इंच का मार्जिन लेके इधर से कट कर दें। इसके ऊपर प्रेस करें, फिर इसके ऊपर पेपर कैनवास आपको चिपका लेनी है। अब इस कपड़े को सेंटर से, ये देखिए जो सेंटर की लाइन है, यहां से फोल्ड करेंगे।
अब इसके ऊपर फ्रंट की चोली को सेंटर से मिलाते हुए रखिए और सेंटर से बराबर कटिंग कर दें। नीचे से इसकी लेंथ 3 इंच छोटी कर दें इस वाले कपड़े की। अब यहां से 1 इंच पे निशान लगाएं, 2.5 इंच पे लगाएंगे। अब इस निशान को यहां से तिरछे में मिलाएं। अब इस निशान से बाहर के लिए लगभग 1/2 इंच का मार्जिन लेके कट कर दें। फिर गोटा पट्टी लेस लेनी है और इस लेस को इस तरह से इसी शेप में ऐसे अटैच कर देंगे। ये पैच आपको इस तरह तैयार करना है। फिर इस कलर की मैचिंग के अकॉर्डिंग अलग से गोटा पट्टी लेस बनाएं। ये लेस अगर आप बनाना सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपको ये लेस बनाना सिखा देंगे। एक साइड से मैंने कपड़े को फोल्ड कर दिया है और एक साइड से इतना मार्जिन रखा है सीम अलाउंस के लिए। अब इस वाली लेस को उल्टी तरफ से साइड से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए रखें और लगभग 2 पॉइंट का मार्जिन लेते हुए इसके साथ अटैच कर देंगे। आपको सिंपल ऐसे सिलाई लगानी है, इस तरह से अटैच करना है, ऐसे सिलाई लगा लेनी है, इस तरह तैयार करना है। फिर आप फ्रंट का पीस लें, उल्टी तरफ से इस वाले पैच को उल्टा रखें, इसके सेंटर पे कट लगा दें। सेंटर वाले कट से बिल्कुल बराबर मिलाएं, सेंटर पे एक सिलाई डाल दें, सेंटर वाली लाइन को बिल्कुल बराबर मिलाएंगे और सेंटर पे सिलाई डालें इस तरह से। अब देखिए जहां से नेक की कटिंग है वहां से ऐसे तिरछे में आपको फ्रंट नेक का निशान लगाना है। तो मेरे केस में फ्रंट नेक की लेंथ रहेगी 7 इंच, जिसमें 1/2 इंच सीम अलाउंस का ऐड करेंगे तो 7.5 पे निशान लगाएंगे। अब हम सेंटर वाली सिलाई से इधर के लिए 1 पॉइंट का मार्जिन लेके सिलाई लगाएंगे। इतना मार्जिन लेके हमें सिलाई लगानी है तो हम इसी शेप में देखिए इस तरह से सिलाई लगाएंगे, ऐसे सेम वैसे ही इधर से भी लगाएंगे, इस तरह से इसी शेप में सिलाई चला देंगे। अब सेंटर वाली सिलाई पे कट कर दें, हल्का सा तिरछा कट लगा दें। अब इसे सीधा कर दें। अब इसको बराबर से सेट कर दें, फिर सेंटर वाली लाइन से इसके सेंटर को बिल्कुल बराबर मिलाएं और सेंटर पे पिन से अटैच कर दें, जिससे ये बिल्कुल फिक्स रहेगा। अब इसको नेक लाइन को बिल्कुल बराबर मिला लें और यहाँ पे सिलाई लगा दें। अब साइड से अटैच करने से पहले सेंटर की प्लेट डाल देंगे, सेंटर वाली लाइन से इस तरह पकड़ें और 1/2 इंच का मार्जिन लेके जहां तक प्लेट का निशान लगाया है वहां तक ऐसे तिरछे में सिलाई लगा दें। सेम ऐसे ही दूसरी प्लेट डालनी है। अब लेस को साइड से खोल देंगे इस तरह से और बिल्कुल साइड से सिलाई लगाते हुए ऊपर से अटैच कर दें। सेम वैसे ही बैक पार्ट में भी प्लेट्स डालनी है। अब शोल्डर अटैच करें और कॉलर की लेंथ मेजर करें। इसकी लेंथ आ रही है 7.6 इंच। सेंटर पे एक कट लगा दें
फिर आपको पेपर कैनवास 1 इंच चौड़ी लेनी है। इसकी हाफ लेंथ मैंने 7.5 इंच ली है, 1 पॉइंट कम कर दिया है क्योंकि कॉलर को हम खींच के लगाएंगे जिससे फिटिंग अच्छी आएगी। अब इस तरह हल्का सा तिरछे में कट कर दें। सिर्फ देखिए 1 पॉइंट कम किया है। इसे कपड़े के ऊपर चिपकाएं, फिर कपड़े पर चारों तरफ 1/2 इंच का मार्जिन लेके कट करें और जिस तरफ से हमने देखिए पूरी लेंथ रखी है, ऊपर से देखिए कम है लेंथ, जिधर से पूरी लेंथ है उस तरफ से कपड़े को फोल्ड करके एक कच्ची सिलाई लगाएं। फिर कपड़े की एक और पट्टी कट करें, इस वाले पीस को ऊपर से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए रखें। ये वाली पट्टी बिल्कुल बराबर कट करी है, सिर्फ नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लिया है सीम अलाउंस के लिए। अब इस तरफ से कैनवास के बिल्कुल किनारे किनारे से सीधी सिलाई लगा दें। अब इसे सेंटर से फोल्ड करें और इसके सेंटर पे कट लगाएं। इसको सीधी तरफ से रखें और कॉलर को इस तरफ से बैक नेक के सेंटर से मिलाते हुए रखें। फिर इसको बराबर मिलाते हुए अटैच करेंगे और इसी तरह से पूरे में अटैच करना है। साइड से देखिए अपने आप 1/2 इंच मार्जिन सीम अलाउंस का बाहर के लिए निकल आया है। अब इसे यहां से इस तरह से घुमा दें, देखिए बिल्कुल यहाँ किनारे से ऐसे सीधी सिलाई लगा देंगे कैनवास के बिल्कुल शेप में। इस तरह से सेम ऐसे ही इधर से भी सिलाई लगानी है। अब इसे सीधा करें। साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन अंदर की तरफ दबा दें, साइड से सिलाई को लॉक करके सीधी तरफ से अटैच कर दें और ये कॉलर अपने आप उसी सिलाई पर सेट हो जाएगा जो हमने इस पट्टी को लेके सिलाई लगाई थी। इस तरह से कॉलर पुलर फिक्स हो गया है। अब ऊपर से कच्ची वाली सिलाई खोल देंगे। स्लीव्स के लिए कपड़े की 2 लेयर लें, सेंटर से फोल्ड करें। मेरे मेजरमेंट में स्लीव की फुल लेंथ रहेगी 8.5 इंच, जिसमें 1 इंच मार्जिन सीम अलाउंस के लिए ऐड किया है, तो फैब्रिक की टोटल लेंथ 9.5 इंच ली है। 3 इंच पे एक निशान लगाएं। आर्म होल की लेंथ रखी थी 7.5 इंच, तो आर्म होल की विड्थ भी 7.5 इंच लेंगे। नीचे से गर्थ रहेगी 5.5 इंच, इस निशान को यहाँ से मिलाएं। इस निशान से आगे के लिए 1 इंच मार्जिन लूजिंग के लिए ऐड करें। बैक आर्म होल के अकॉर्डिंग कटिंग करें। हैंड के फैब्रिक से क्रॉस पट्टी लें, इसकी विड्थ 2 इंच है। इस पट्टी को सीधा रखें, यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन लेके सिलाई लगाएं, फिर इस पट्टी को नीचे करें, पीछे से कपड़े को बराबर कर दें, ऊपर से 1/2 इंच कपड़ा नीचे के लिए फोल्ड करें और इस पट्टी को ऊपर के लिए पलट लें। फिर ये वाली गोटा पट्टी लेस लें और किनारे से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए रखें। अब इस वाली पट्टी को ऊपर की तरफ पलट दें और यहाँ किनारे से सिलाई लगा दें। अब ऊपर से भी किनारे से सिलाई लगा के इसको अटैच कर दें। फिर आपको जिगजैग वाली गोटा पट्टी लेस लेनी है और इसको नीचे से रखें इस तरह से और किनारे से सिलाई लगा के अटैच करेंगे। फिर स्लीव में फिटिंग की सिलाई लगा दें और चोली में भी फिटिंग की सिलाई लगा लें। अब स्लीव को चोली के साथ अटैच करेंगे, तो जिस तरफ हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग करी है उसे फ्रंट पार्ट के साथ अटैच करेंगे। अब इसे अटैच कर दें जैसे आप अपनी नॉर्मल स्लीव अटैच करते हैं,
सेम वैसे ही इसमें भी अटैच होंगी। अब कलियों की कटिंग करेंगे, तो चोली और स्लीव्स कट करने के बाद जो भी कपड़ा लेंथ वाइज बचा है इसमें हम कली की कटिंग करेंगे। इसमें हम आपको एक चीज क्लियर कर दें कि 3 मीटर कपड़े में आप सिर्फ 45 इंच की लेंथ तक कुर्ती बना सकते हैं। अगर आपकी इससे ज्यादा लेंथ है तो आपको 3.5 मीटर कपड़ा लेना होगा। अभी हमने सिर्फ चोली और स्लीव्स कट करी, जो भी हमारा कपड़ा बचा है इसमें हम कलियों की कटिंग करेंगे। यहाँ से देखिए, जैसा कपड़ा हमारा थान में फोल्ड करके आता है सेम वैसे ही फोल्ड करके रखा है। मेरे मेजरमेंट में फुल कुर्ती की लेंथ रहेगी 45 इंच, जिसमें 14 इंच चोली की लेंथ माइनस करेंगे। कली की लेंथ हमें 31 इंच लेनी है, जिसमें 1 इंच मार्जिन सीम अलाउंस का ऐड करेंगे, तो कली की फुल लेंथ 32 इंच पे कट करेंगे। बत्तीस इंच लेंथ यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। इस निशान को सीधा कर देंगे। अब इस निशान पे कट कर देंगे। अब इस कपड़े को यहां से बराबर रखेंगे। यहां तक आ रहा है तो इसके बराबर से कट कर देंगे। अब ये वाला कपड़ा देखिए, इसके बिल्कुल बराबर है। इस तरह हमारे पास 3 लेयर आ गई हैं, 1, 2 और 3। अब पहले 1 लेयर को लें। इसके ऊपर दूसरी लेयर बराबर से रखें। अब इसके ऊपर तीसरी लेयर भी खोल के बराबर से सेट करें। पूरे कपड़े को बराबर से सेट कर लिया है और इसे हम 12 कली में बना रहे हैं। 1 लेयर से 4 कली निकालेंगे। हमारे पास कपड़े की 3 लेयर हैं, 1, 2 और 3। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 12 इंच। फिर आपको कपड़े की चौड़ाई नापनी है। मेरे कपड़े की टोटल चौड़ाई है 44 इंच और 1 लेयर से हम 4 कली निकाल रहे हैं, तो 44 को 4 से डिवाइड करेंगे, आएगा 11 इंच, जिसमें 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, तो नीचे से कली की विड्थ रखेंगे 14 इंच। और फुल वेस्ट का साइज है 33 इंच, जिसे 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 12 कली का बना रहे हैं, तो आएगा 2.5 इंच, जिसमें 1 इंच सीम अलाउंस का ऐड करेंगे तो आएगा 2.5 इंच। ऊपर से कली की विड्थ 2.5 इंच लेंगे, नीचे से कली की विड्थ ली 14 इंच, जिसका हाफ हुआ 7 इंच। तो कपड़े की एक साइड से 7 इंच पे मार्क करेंगे। अब इस तरफ से वेस्ट की मार्किंग करेंगे, जो कि हमने निकाली 2.5 इंच। इस निशान से आगे के लिए 2.5 पे निशान लगाएंगे। अब उस तरफ से कली की विड्थ, जो कि 14 इंच निकाली, 14 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस वाले निशान को बिल्कुल कोने से तिरछे में मिला दें और इस निशान को 14 इंच के निशान पे इस तरह तिरछे में मिलाएं। अब सेम निशान पर कटिंग कर दें। इस कपड़े को हमें कली में यूज नहीं करना है। अब इस वाली कटिंग को उस तरफ के लिए घुमा देंगे और साइड से बराबर रखें। अब इधर से बराबर कटिंग कर दें। अब फिर से इसे उधर के लिए ऐसे घुमा दें और साइड से बराबर मिला के रखिए। अब इधर से बराबर कटिंग कर दें। अब फिर से इसको उधर के लिए घुमा दें और साइड से बिल्कुल बराबर मिला के रखें।
अब उस तरफ से बराबर कटिंग कर दें। इस तरह से हमारी 12 कली कटकर तैयार हो गई हैं। और फ्रेंड्स, इसमें देखिए हमारे फैब्रिक का प्रिंट दोनों तरफ है, एक धारी ऊपर की तरफ जा रही है और एक धारी नीचे की तरफ आ रही है, इसीलिए हमने इस तरह से कटिंग करी। लेकिन अगर आपके कपड़े का प्रिंट एक साइड हो, जैसा कि देखिए मेरी इस कुर्ती का है, तो मैंने आपको इस वीडियो में जैसे कटिंग करना बताया है आप उस तरह से कटिंग करें। आप मेरी इस वीडियो को देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मैंने दोनों तरह से आपको कलियों की कटिंग करना बताया है। अगर आपके फैब्रिक का प्रिंट इस तरह से है तो आज की वीडियो की तरह कटिंग करें, और अगर इस तरह से है तो मेरी इस वीडियो को देख के आप सीख सकते हैं। अब सभी कलियों को आपस में अटैच करेंगे। एक कली को सीधा रखें, दूसरी कली को इसके ऊपर उल्टा रखें और एक साइड से अटैच कर दें। सभी कलियों को आपस में अटैच कर दिया है और यहां तक सेम वैसी ही लेस अटैच करी है जैसे हमने स्लीव में अटैच करी थी। इसके ऊपर सिर्फ सिंगल पट्टी में गोटा पट्टी लेस अटैच कर दी है। और जब आप घेरे पर लेस अटैच करेंगे तो यहाँ पे आप इस वाले कपड़े में जो हमने पैंट का फैब्रिक लगाया है, इसमें आप पेपर कैनवास जरूर चिपकाएं, जिससे थोड़ी सी हार्डनेस आ जाएगी और बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ पूरी लेस अटैच होगी। स्लीव में हमने नहीं लगाई थी, लेकिन आप घेरे में जरूर लगाएं, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी, आप देख सकते हैं। अब घेरे को चोली के साथ अटैच कर दें। अब कुर्ती पूरी कंप्लीट हो गई है। आज का वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मेरे दूसरे चैनल मिनी क्लासिक बुटीक को सब्सक्राइब करें, उस पर आपको किड्स वेयर की काफी अच्छी अच्छी कटिंग स्टिचिंग सीखने को मिलेंगी। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।